नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बढ़ते ही खबर की ओर, जहां पर आपको बता देगी जानकारी के मुताबिक यहां पर एक पुलिस कांस्टेबल को रोब झाड़ना भारी पड़ गया। यहां पर जानकारी में सामना रहेगी कि पुलिस कांस्टेबल ने एक युवक को अपने साथ अपहरण कर ले गया और परिवारजनों से 50,000 रुपये की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद जब परिवारजन यहाँ पर पैसे देने पहुँचे तो साथ आए लोगों ने उन्हें कांस्टेबल को गाड़ी समेत घेर लिया और विवाद किया और विवाद मारपीट तक पहुँच गया। मामला जयपुर के कानोता इलाके का है, 28 मार्च का एक जबकि वीडियो आज सामने आ रहा है। रविवार को वीडियो सामने आने के बाद कानोता SHO मुकेश खगड़िया ने संज्ञान लिया है और गांधीनगर थाने के कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह के साथ ये विवाद हुआ और विवाद मार दी तक पहुंचा है। आरोप है कि 28 मार्च की दोपहर कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह ने खो नागोरियन स्थित राजेंद्र नगर निवासी अनमोल को घर के बाहर से अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और दो साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल शैलेंद्र उसे कानोता रिंग रोड पर ले गया। इसके बाद परिजनों को कॉल कर 50,000 रुपये की डिमांड की थी। अनमोल के घर वालों ने रुपये देने के बहाने उसका पता पूछा तो रिंग रोड के पास हाईवे पर पैसे देने के लिए बुलाया। इस बीच जहाँ पर ये विवाद कर दिया, जहाँ पर ये वीडियो सामने आ रहा है, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर, नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।